भावनाओं को एनर्जी देने वाली आपके लिए दूसरी ड्रिंक है, अगर तुम भी हिम्मत हार गए तो इन सब लोगों का क्या होगा? राहुल गांधी कम रिस्पॉन्सिबल है नरेंद्र मोदी से, ये आप कहना चाहते हैं? यानी जैसा भी करके सिर्फ रोना धोना। ऐसा क्यों, उनके खिलाफ क्या वैक्सीन मिलेगी? और ऊपर से हमारे नेताओं को सत्ता की मलाई चाटनी है, राक्षस हो गए राक्षस, जो लाशों पे खड़े होकर राजनीति करना चाहते हैं। हर हफ्ते की तरह बात इस हफ्ते भी गोदी मीडिया की करते हैं। हाल ही में देश में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है। अस्पतालों के बाहर बड़ी भीड़ देखने को मिल सकती है। कई राज्य ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हैं, तो देश में कोरोना के मामले प्रतिदिन 3 लाख के पार भी हो चुके हैं। ऐसे में देशवासियों के मन में कितना गुस्सा है, आप टाइम्स नाउ की इस वीडियो से अंदाजा लगा ही सकते हैं। Let me go across to Kamalakar, one of our viewers calling us from Pune. Go ahead, what would you like to say? हाँ, देखिए, गए 8 साल से टाइम्स नाउ के वो नाविका और दूसरा कौन था उसके साथ, ये 8 साल से मोदी और बाबा शाह के गोदी में बैठ के उनकी तारीफ करते रहे। हाँ कमलाकर जी, आप अगर ऐसे बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये टाइम्स नाउ ये स्टोरी क्यों दिखा रहा है? बिकॉज हियर वी अपहोल्ड एडिटोरियल व्यूज एंड जर्नलिस्टिक एथिक्स व्हिच इंसिस्ट दैट वी शो बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। अब तो मीडिया ने भी कोरोना के मुद्दे पर सवाल पूछना शुरू कर दिया है, पर कितने समय के लिए ये हम नहीं कह सकते। जैसे जैसे कोरोना को लेकर खबर बुरी होती जा रही है, मीडिया इन मुद्दों पर चर्चा कर रहा है और सवाल भी करता जा रहा है। हमारी से भी भारी ये सियासत आखिर क्यों? आपकी वाणी से उन्हें हौसला मिलेगा स्वामी जी। स्थिति में हम जहां आज पहुंच गए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन परिस्थितियों में भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। राहुल गांधी कम रिस्पॉन्सिबल है नरेंद्र मोदी से, ये आप कहना चाहती हैं? यानी जैसा भी करके सिर्फ रोना धोना। ऐसा क्यों, उनके खिलाफ क्या वैक्सीन मिलेगी? समझ में नहीं आ रहा कि लड़ाई वैक्सीन से या मोदी से। गुमराह करो, अफवाह फैलाओ, लोगों को भड़काओ, देश पर सवाल उठाओ। वैक्सीन पर क्या मचाए कोरा? वैक्सीन पॉलिटिक्स का देश में ओवर स्टॉक है, ये हम दावे से कह सकते हैं। अपने रिकॉर्ड को ठीक रखिए, गलत बयानी मत करिए, क्योंकि जनता भी तंग आ गई है सर। हाल ही में अमित शाह ने देश की जनता को कोविड फैलाने का जिम्मेदार माना। इस मुद्दे पर लेकिन मीडिया ने एक भी सवाल नहीं उठाया कि अमित शाह रैलियां क्यों कर रहे हैं, वे अपनी चुनावी रैली क्यों नहीं रोक देते। मीडिया कुछ मुद्दों पर सवाल कर रहा है और देश की जनता को मोटिवेशन भी दे रहा है महामारी से लड़ने के लिए। आपको कुछ अच्छे वाक्य आज बताना चाहते हैं। इनमें पहला है, आपने सुना होगा, सब कुछ अच्छा होगा तुम बुरा मत सोचो। अक्सर जब किसी परिवार पर कोई विपदा आती है तो उस परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपसे यही कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। वो ज्योतिषी नहीं होते, ना ही उन्हें भविष्य के बारे में कुछ पता होता है, ना ही वो डॉक्टर होते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा होता है। ये भरोसा बहुत बड़ी चीज है और इसी भरोसे का संचार वो अपने संवाद के जरिए अपने परिवार के लोगों से करते हैं, जिसमें संकट को सहने की हिम्मत अचानक से बढ़ जाती है जब भावनाओं को एनर्जी देने वाली आपके लिए दूसरी ड्रिंक है, अगर तुम भी हिम्मत हार गए तो इन सब लोगों का क्या होगा? जब चारों तरफ नकारात्मकता का माहौल फैला होता है, युद्ध लगातार बड़ा होता चला जाता है, खतरनाक होता चला जाता है, जीतना उसमें मुश्किल दिखता है, तो अक्सर ये बात कही जाती है और अक्सर इन शब्दों को सुनकर लोगों की हिम्मत और हौसला बढ़ जाता है। एक तरफ तो गोदी मीडिया बीजेपी से सवाल कर रहा है, पर दूसरी तरफ ही गोदी मीडिया ही प्रधानमंत्री मोदी की काफी तारीफ करने में भी पीछे नहीं हट रहा। मीडिया किसी न किसी बात पर प्रधानमंत्री की तारीफ करना और विपक्ष की आलोचना करना नहीं भूलता। आप ये भी वीडियो देखिए। कोरोना के खिलाफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने देश के नामी डॉक्टर से वो मिल रहे थे आज, लेकिन ऐसे समय में भी कुछ सियासी पार्टियां राजनीति में लगी हैं। इन लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछना है। कभी ये देश से सवाल पूछते हैं तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो सबसे बड़ी बात जो आपके लिए समझने की है वो ये कि जैसे ही आज शाम को पूरे देश को ये पता चला कि आज 8:45 पर प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं, तो लोग बहुत इस बात को लेकर बहुत दिलचस्पी दिखा रहे थे,
चिंता भी दिखा रहे थे कि न जाने अब कौन सा बड़ा कदम हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि शायद आज लॉकडाउन का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी सारी चिंता जो थी वो बेकार की थी। एक पत्रकार का वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें कोरोना को लेकर डिबेट में सरकार की वह आलोचना कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि हमारा बाकी गोदी मीडिया भी इस तरह खुलकर सरकार से सवाल करेगा। कहीं किसी का कोई मर रहा, कहीं किसी का कोई बीमार पड़ रहा, डॉक्टर है नहीं और है तो इतना थका हुआ है कि वो मरीज अटेंड करने की स्थिति में नहीं है, और ऊपर से हमारे नेताओं को सत्ता की मलाई चाटनी है। राक्षस हो गए, राक्षस जो लाशों पे खड़े होकर राजनीति करना चाहते हैं। जिन लोगों को रैली में बुलाया जा रहा है, इस बात की गारंटी नहीं है कि वो 3-4-5 दिन बाद जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। अगर बच गए तो भगवान राम की कृपा, और मर गए तो इंतजाम तो पूरा नेताओं ने कर ही दिया है। और चुनाव आयोग हमारा अंधा है, बेशर्म चुनाव आयोग। अगर मेरे ऊपर मुकदमा होता हूं, जेल जाने को तैयार। भारत का चुनाव आयोग सबसे ज्यादा महामूर्ख और अंधा चुनाव आयोग है, मंदबुद्धि चुनाव आयोग, जिसमें बैठे चुनाव चुनाव आयुक्तों को केवल मलाई चाटनी है, सत्ता की चाकरी करके अपनी पद स्थापना करानी है। आज यहां है, कल किसी और पद पे बैठेंगे, बुढ़ापा ठीक से कटेगा। शर्म आनी चाहिए चुनाव आयुक्तों को हमारे भारत देश के, कि वो आम लोगों को कोरोना के मुंह में धकेल रहे हैं चुनाव के नाम पे। अरे क्या बिगड़ जाएगा अगर 6-8 महीना और राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन लगा रह जाएगा तो क्या तूफान आ जाएगा। ये तो थी इस हफ्ते की बात। आप हमें कमेंट कर अपनी राय दे सकते हैं, और मजेदार खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।